और चलिए सीधी तस्वीर आपको दिखाएंगे तेलंगाना के महबूब नगर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है, जरा तस्वीरें देखिए। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के माननीय सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण जी, मेरे बहुत पुराने मित्र और संसद में हम दोनों लंबे समय तक एक साथ थे, सीएपी जितेंद्र रेड्डी जी, से भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री वीर ब्रह्मचारी के पालामुरु, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री एपी मिथुन रेड्डी, देवरत दला से भारतीय जनता पार्टी के कमिटेर श्री प्रशांत रेड्डी, कोतानगढ़ से श्री बंटू रमेश, साधनगर से बंदे बपन्ना, चेरला से चितरंजन दास, मक्तल से धनंदर रेड्डी, नारायणपेट से रतन पान रेड्डी और भारी संख्या में उपस्थित पालामुरु डिस्ट्रिक्ट के मेरे सभी उपस्थित भाई और बहनों, नमस्कारम तेलंगाना। भाइयों बहनों, श्री कालेश्वरम, श्री सैलम, दक्ष रामम के रूप में त्रिलिंग के आशीर्वाद से अभिषिंचित तेलंगाना की इस पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। मुझे यहां आकर के अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई, क्योंकि यहां पर मुझे संसद के दौरान जो हमारे पुराने मित्र थे सीएपी जितेंद्र रेड्डी, उनके साथ लंबे समय तक हम लोगों ने संसद में काम किया और पार्लियामेंट में कार्य करते हुए वे इस क्षेत्र की समस्या को लेकर के दिल्ली में पार्लियामेंट में लगातार लड़ते थे, कार्य करते थे। तेलंगाना राज्य निर्माण के लिए उनके संघर्ष के लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं और इस अवसर पर आज मुझे उनसे मुलाकात हुई। भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर उनका भी और आप सबका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, जब मैं तेलंगाना राज्य की बात करता हूं तो एक और प्रकृति और परमात्मा की असीम कृपा इस राज्य पर है, दूसरी ओर यहां पर संघर्ष करने का जज्बा यहां के नौजवानों, यहां के किसानों के मन में है। तेलंगाना राज्य के लिए चले आंदोलन में एक लंबा संघर्ष यहां के नागरिकों को करना पड़ा था। 1969 का संघर्ष हो या 2001 से लेके 2014 तक चला यह आंदोलन, जिसमें सैकड़ों नौजवानों ने अपनी आहुति देकर के तेलंगाना राज्य का निर्माण किया था। लेकिन भाइयों बहनों, एक तरफ कांग्रेस तेलंगाना राज्य की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करती रही और दूसरी तरफ तेलंगाना की सत्ता राज्य बनने के बाद जिन हाथों में आई
भाइयों बहनों, केसीआर के नेतृत्व में टीआरएस ने यहां के सारे सपनों को धूल दूषित कर दिया है। आज भाइयों बहनों, जो तेलंगाना रेवेन्यू सरप्लस स्टेट था, आज यह 3 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में डूबा हुआ एक स्टेट है। जिस तेलंगाना में विकास की नई नई संभावनाएं आगे बढ़ती, वह तेलंगाना आज माफिया राज की चपेट में आ गया है। यहां पे खनन माफिया, यहां पे भू माफिया, यहां पे पशु माफिया, यहां पर संगठित अपराध में संलिप्त माफिया है, और इस माफिया के खिलाफ ही चेतावनी देने के लिए और इस महबूब नगर को फिर से पाला मुरू के रूप में स्थापित करने के लिए आज मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। भाइयों बहनों, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में भी यह माफिया इसी प्रकार से हावी थी। उत्तर प्रदेश में हर दूसरे तीसरे दिन एक बड़ा दंगा होता था, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था। उत्तर प्रदेश में माफिया हावी थे, माफिया की पैरेलल गवर्नमेंट चलती थी, आम नागरिक का कोई सुनवाई नहीं होती थी। आज मैं कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की बीजेपी की गवर्नमेंट है। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा, यूपी में कोई दंगा नहीं होता है। पिछले 6.5 वर्ष में कोई दंगा नहीं, और माफिया और अपराधियों का उपचार क्या है, ये यूपी के बुलडोजर को चलते हुए देखते हैं। तो भाइयों बहनों, यही उसका उपचार है। और मैं आज आपको यही कहने के लिए आया हूं, चाहे वह कांग्रेस हो या टीआरएस का बदलावा नाम बीआरएस, जब किसी को समय पूर्व छुट्टी की जाती है तो उसको बीआरएस दिया जाता है, और ऐसे ही केसीआर को समय पूर्व छुट्टी देनी है इसलिए उसका नाम बीआरएस हो गया है। भाइयों बहनों, कांग्रेस हो या बीएसआर या बीआरएस, और इनका एक कॉमन फ्रेंड है एमआईएम, कॉमन फ्रेंड जिसका काम है फेविकोल के रूप में काम करना। ये जो फेविकोल है एमआईएम के रूप में, ये तीनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। तेलंगाना की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले, आपकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले, आपकी पहचान को समाप्त करने वाले ये लोग हैं, और ये माफिया को पनपाने वाले लोग हैं। भाइयों बहनों, इन तीनों में से किसी को भी वोट जाएगा, ये तीनों ही सबल होंगे, मजबूत होंगे। इसलिए मैं आया हूं आपके पास अपील करने के लिए। आज आपने देखा होगा, वैश्विक स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत का सम्मान बढ़ा है, भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई है, ये नया भारत है। आज 26 नवंबर है, 26 नवंबर की तिथि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आज ही के दिन पर भारत का संविधान बना करके तैयार किया था। और भाइयों बहनों, संविधान दिवस के रूप में तो है ही, लेकिन याद करिए, कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी और कांग्रेस नेतृत्व की सरकार के समय आतंकवादियों ने आज ही के दिन पर देश पर सबसे बड़ा हमला मुंबई में किया था। और देखिए, लगातार आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, तमाम बातें उनके द्वारा कही गई है। तेलंगाना की धरती को मेरा नमन, तेलंगाना पर प्रकृति की कृपा है, ये बात कही गई है सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा। तेलंगाना राज्य के लिए लंबा संघर्ष
करना पड़ा। तेलंगाना की भावना से खिलवाड़, तमाम बातें संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हुए नजर आए हैं। तेलंगाना के महबूब नगर में सीएम योगी की हुंकार संबोधन सुनने को मिल रहा था, तमाम लोगों की मौजूदगी थी और इसी दौरान तमाम बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा अपने संबोधन में कही गई। यूपी में ना कर्फ्यू ना दंगा, ये लोग आपके पहचान को खत्म करने वाले हैं, क्योंकि देखिए तेलंगाना में चुनाव बेहद नजदीक, ऐसे में चुनावी हुंकार भरते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तेलंगाना में नजर आ रहे हैं।